श्री शिवाय नमस्तभ्यम। दर्शकों, शनिवार का दिन नौ ग्रहों के परिवार में न्याय के देवता माने जाने वाले शनिदेव को समर्पित होता है। पीपल के पेड़ में शनिदेव का वास माना जाता है। इस संबंध में ब्रह्म पुराण में एक प्रसंग के बारे में भी बताया गया है। इसके अलावा 118वें अध्याय में इनका वर्णन किया गया है, जिसमें शनिदेव कहते हैं कि मेरे दिन अर्थात शनिवार को जो मनुष्य नियमित रूप से पीपल के वृक्ष का स्पर्श करेंगे, उनके सब कार्य सिद्ध होंगे तथा मुझसे जो उनको कोई पीड़ा नहीं होगी, उससे आप अपने पीड़ाओं को हर लेंगे। यानी आपको कोई पीड़ा है तो आप पीपल के वृक्ष को स्पर्श जरूर करें। शनिवार को प्रातःकाल उठकर पीपल के वृक्ष के दर्शन करें और उन्हें स्पर्श करें। उन्हें ग्रहों की वजह से उत्पन्न पीड़ा नहीं होगी। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ से जुड़े कुछ उपाय हैं जो हम आपको बताने वाले हैं, जो आपके सारे दुख तकलीफें दूर हो जाएंगी और आपके जीवन में लक्ष्मी का वास होगा। यदि आप गरीब हैं, आपके जीवन में धन संबंधी कोई परेशानी चल रही है, आपके पारिवारिक संबंधी कोई परेशानी चल रही है, आपका कारोबार नहीं चल रहा है, तो एक छोटा सा उपाय जरूर कीजिए। प्रातःकाल यह उपाय कर सकते हैं या फिर शाम को यह उपाय कर सकते हैं, दोनों वक्त में से कभी भी कर सकते हैं। आपको एक लोटा जल लेना है, उसमें थोड़ी सी काली तिल मिला लेनी है और एक तिल के तेल का दीपक ले लेना है। लंबी बाती वाला मिट्टी का दीपक ले सकते हैं या फिर आटे का बना लें। और एक पीपल का पत्ता लेना है, थोड़ी सी काली तिल उसका ऊपर रखना है और एक सिक्का ले लेना है। खुद कितने भी पैसे आप रख सकते हैं उसके ऊपर सिक्का जरूर रखें, आप नोट ना रखें। और इसको लेकर के आप पीपल के वृक्ष के पास जाएं, पीपल के वृक्ष को हाथ जोड़कर प्रणाम करें और एक लोटा जल जो हमने ले गए हैं उसे उस पर समर्पित करना है। पीपल के वृक्ष पर समर्पित करने के बाद आप घी का दीपक जला दें और दीपक जलाने के बाद में पीपल के पत्ते के ऊपर काली तिल और एक सिक्का रख करके अपनी मनोकामना बोलें और पीपल के वृक्ष के नीचे उसे रख दें। रखते समय आप अपनी मनोकामना जरूर बोलें और बोलें, शनिदेव हमारी हर मनोकामना पूर्ण करें। ऐसा करने से आप जल्द से जल्द अपनी परेशानी का निदान पा लेंगे और यह आपको एक से दो शनिवार ही यह उपाय करना है और आपको तीसरे शनिवार की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी आपके सारे काम बनते नज़र आएंगे आपको। तो दर्शकों, और भी कई उपाय हैं जो हमने हमारे चैनल पर डाल रखे हैं। अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी है, किसी भी कार्य को सिद्ध करवाना चाहते हैं, तो हमारे उपायों को ज़रूर आजमाएं। 100% गारंटी है कि हमारे उपाय आपको कारगर सिद्ध साबित होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अधिक से अधिक लोगों को भी जोड़िएगा ताकि उन्हें भी इन उपायों के बारे में जानकारी प्राप्त हो और वे भी अपने समस्याओं का समाधान पा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।